देश में कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इसी बीच मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मानवता को शर्मसार कर देने वाली हरकत सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग व्यक्ति का बेड से बंधे होने का वीडियो वायरल होते ही हंगामा मच गया। ये तस्वीरें एमपी के शाजापुर के एक हॉस्पिटल की है, जहां 80 साल के एक बुजुर्ग को बेड पर बांध रखा है, वो भी इसलिए क्योंकि वो इलाज का पूरा बिल नहीं दे पा रहा था। बुजुर्ग मरीज की बेटी ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल ने दो बार इलाज करवाने के लिए रुपए जमा करवाए, जब हमने कहा कि अब रुपए नहीं है और हमें घर जाने दो, तो इस पर हॉस्पिटल कर्मियों ने बकाया रुपए वसूलने के बदले पापा को पलंग से बांध दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11,000 रुपए का बिल नहीं चुकाने की वजह से बुजुर्ग के साथ ऐसा सलूक किया गया है। मामले को खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया, साथ ही ट्वीट कर कहा कि शाजापुर के एक हॉस्पिटल में वरिष्ठ नागरिक के साथ क्रूरतम व्यवहार का मामला संज्ञान में आया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पर हॉस्पिटल प्रशासन का कुछ और ही कहना है। हॉस्पिटल ने सफाई देते हुए बिल की बात को गलत बताया और बेड से बंधे बुजुर्ग को दिमागी रूप से बीमार बता दिया है। वैसे हॉस्पिटल कुछ भी कहे, लेकिन इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में काफी आक्रोश है। न्यूज़ डेस्क।